उधर लातेहार जिले के बालूमाथ में अवैध तरीके से हर दिन 3 दर्जन से अधिक ट्रकों में कोयला लादकर अलग अलग प्रदेशों के ईंट भट्टों में भेजा जा रहा था। यह काम स्थानीय कोयला माफिया और कई पुलिस पदाधिकारियों की मिलीभगत से हो रही थी। आपको बताएं कि लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद के द्वारा कराई गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है, जिसके बाद बालूमाथ एसडीपीओ रणवीर सिंह को लातेहार मुख्यालय में रहने के आदेश दिए गए हैं। उनके आर्म्स गार्ड को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा बालूमाथ थानेदार और इंस्पेक्टर राजेश मंडल को लाइन क्लोज कर दिया गया है, साथ ही इन्हें सस्पेंड करने की अनुशंसा रेंज डीआईजी से की गई है। तो एसडीपीओ को लेकर लातेहार मुख्यालय से लेकर कई ऐसे बताया जा रहा है कि एसपी की जांच में अवैध कोयले को लेकर पुष्टि हुई है। ऐसे में कोयला का अवैध कारोबार कई समय से यहां पर जारी है। एसडीपीओ से लेकर सिपाही तक की संलिप्तता इसमें सामने आई है। तो मालूम है एसडीपीओ से लेकर सिपाही तक के इसमें नाम की संलिप्तता सामने आई है। और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस गोरख धंधे में उनकी संलिप्तता है, फिलहाल इस जांच में पुष्टि हुई है। जिस लातेहार में कोयले के अवैध कारोबार में खाकी तक पर अब दाग लग चुका है, बालूमाथ एसडीपीओ से लेकर सिपाही तक इस गोरख धंधे में शामिल है। ऑनलाइन यहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था। एसपी की जांच में इन सब कारनामों की पुष्टि हुई है। तो इंस्पेक्टर राजेश मंडल को लाइन क्लोज करने की अनुशंसा की गई है रेंज डीआईजी से। इसके अलावा एसडीपीओ से लेकर लातेहार मुख्यालय में कई लोग इसमें संलिप्तता इनकी पाई गई है। एसपी की जांच में पूरे अवैध कोयले के कारोबार को लेकर ये सभी चीजों का खुलासा हुआ है, पुष्टि हुई है जांच में। तो कई लंबे समय से ये गोरख धंधा चल रहा था, ऑनलाइन इसमें घूस लिया करते थे ये सभी और ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाया जाता था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर खाकी जो है वो दागदार होती नजर आई है। न जाने और कितने इस गोरख धंधे में लोग शामिल हैं। धीरे धीरे सबका जो खुलासा है वो जांच के दौरान हो रहा है। फिलहाल जो खबरें मिल रही है उस हिसाब से ये जांच में इन सबकी पुष्टि हो चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लातेहार से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हालांकि इस अवैध गोरख धंधे में खाकी है वो दागदार हुआ है, कई लोग इसमें शामिल हैं, अब ये सब चीज की पुष्टि हो गई है, लेकिन आगे क्या, और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस पर कोई जांच? जी पुलिस ने बता दें कि हालांकि एसपी प्रशांत आनंद के द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को में भेजी गई है। रिपोर्ट के बाद एसपी प्रशांत आनंद का कहना है कि और भी लोगों का नाम खुलासा होगा, उसके बाद इन लोगों पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार ये अवैध कोयले का उत्खनन ये अवैध माफियाओं के द्वारा किया जा रहा था। इसमें इंस्पेक्टर और ये डीएसपी रणवीर सिंह के द्वारा जो है मिली भगत से ऑनलाइन जो डंपिंग होती थी, माल जो डंपिंग की जाती थी वो उसका जो बोली था वो ऑनलाइन पैसा लिया जाता था, और लगातार 10 लाख 20 लाख में इस तरह से जो भंडारण कोयले का अवैध किया जा रहा था उसमें डीएसपी और इंस्पेक्टर जो है राजेश मंडल लगातार लगे हुए थे। और ये धंधा जो है कि आज लगभग अगर बात करें तो 1 साल से चल रहा था, उसके बाद पहले भी जो थाना प्रभारी थे उनके द्वारा भी ये काम किया जा रहा था। कई बार शिकायत एसपी के पास भी गई, डीआईजी रेंज के जो विपुल शुक्ला है उनके पास भी गई थी, वर्तमान में जो डीआईजी थे, तो लगातार ये खबर सुर्खियों में रही, मगर उसके बाद भी
कार्रवाई नहीं होती थी, ये सबसे बड़ी बात है। अब जो कार्रवाई हुई है लातेहार के लिए एक बड़ी कार्रवाई है, और इस कार्रवाई के बाद जो है कोयले माफिया हो चाहे पुलिस अधिकारी हो जिनके मिली भगत से ये कार्य चल रहा है, वो सब जो है भयभीत हो गए हैं कि क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये भी एक जांच का विषय है, और ये भी बात खुल के सामने आ रही है कि कितने पैसे अब तक जो है कि इंस्पेक्टर और डीएसपी ने मिली भगत से उगाही की है, उसकी भी जांच होगी। उसके बाद जो है कि बालूमाथ जो है थाना प्रभारी, जो पूर्व में थाना प्रभारी थे, उनकी भी जांच होगी, जो अभी फिलहाल बोकारो के थाना प्रभारी है उनकी भी जांच होगी कि उनके पास जो अवैध पैसा है या 2 से 3 लाख 4 लाख करोड़ का गाड़ी है उनके पास, वो कैसे आया उनके पास। ये सारी जो पुलिस के जो अधिकारी है उनका कहना है कि सारी जांच होगी, सब प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, उसके बाद जिनका नाम आएगा वो बक्से नहीं जाएंगे, उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। जी चलिए अतुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस जांच के बाद पुष्टि हो गई, एसपी प्रशांत आनंद ने रिपोर्ट अब जो तैयार किया है वो भेजा है। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि और लोगों के नाम सामने आएंगे, और भी कई लोगों की संलिप्तता है इसमें, और अभी कई ऐसे लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं जिनका नाम अभी सामने आना बाकी है। तो लातेहार में इस बार जो ये कार्रवाई हुई है गोरख धंधे को लेकर, लगातार वहां पर कोयले के अवैध कारोबार किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये कार्रवाई का बड़े स्तर पर हुई है। ऐसे में माफिया से लेकर इस तरह के गोरख धंधे में शामिल अधिकारी हर कोई सख्ते में आ गए हैं।